और दोस्तों राधा मोहन का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलने वाला है। दोस्तों जब मोहन इस समय गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराने जाएगा इस समय पुलिस स्टेशन में, तो एक आदमी जो कि बहुत बड़ा मंत्री होता है वो इस समय सीधा सीधा फंसवाने का काम करता हुआ नजर आ रहा है कि मोहन को भी अंदर कस्टडी में डाल दिया जाए ताकि वो राधा तक पहुंच ही ना सके। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय दामिनी ने बहुत मोटा पैसा खर्च किया है ताकि मोहन इस समय कुछ समय अगर लॉकअप के अंदर रहेगा तो वहाँ पर दामिनी का मानना यह है कि राधा तड़प तड़प के मर जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन दोस्तों वहीं बात की जाए आखिरकार राधा की, तो राधा स्वयं ही वहाँ से निकलने में सक्षम रहने वाली है। हालांकि दोस्तों अब जल्दी ही आखिरकार खुद इस चीज़ का मोहन को भी पता लगने जा रहा है कि इन सब के पीछे कोई और साजिश नहीं है, बल्कि मैन साजिशकर्ता दामिनी और उसकी माँ ही हैं जो इतनी बड़ी गहरी साजिश हमेशा की तरह करती हुई नज़र आ रही है। हालांकि दोस्तों बात की जाए दामिनी की, तो दामिनी ने साफ साफ पहले ही बोल दिया था कि मैं कभी किसी को भी कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा रुतबा कम नहीं है, मैं हमेशा एक अपनी अलग ही ऊँचाई अपनी अलग ही उड़ान के साथ मैं रहती हूँ। साथ ही दोस्तों बात की जाए इस समय दामिनी की, तो दामिनी को होगी जेल की सज़ा जब पता चलेगा कि आखिरकार किसी के ऊपर इतना भी नहीं करना चाहिए कि जितना इसने किया है। जी हाँ दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस पूरी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है कि जो कभी देखने को मिलना भी नहीं चाहिए। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आखिरकार मोहन की माँ बोलती हुई नजर आने वाली है मोहन से कि मोहन ये लड़की इस घर के लिए ठीक नहीं थी, ये हमने तुमको बहुत पहले ही बता दिया था लेकिन तुमने ही हमारी बात नहीं मानी थी, लेकिन अब तुम हमारी फ़िलहाल बात मान लो। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाले एपिसोड के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट